Today we start exercise number 14.4. In that, question is find and correct the errors in the following mathematical statements. So in this exercise, total 21 statements are given. So in that we need to find out the error first, and then after we need to correct them. So let us start with the first statement. So here the first statement is 5 in bracket x minus 5 equals to 4x minus 5. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो फर्स्ट टाइम वी मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स एंड देन 4 इंटू माइनस 5. सो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 5 20. तो यहाँ पे है 5, तो दैट मीन्स कि दिस इज द एरर. तो यहाँ पे एरर हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 20, नॉट माइनस 5. माइनस 20 होना चाहिए, माइनस 5 नहीं. तो इसको करेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट 4. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट करके पूरा स्टेटमेंट लिखो, 4 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस, यहाँ पे जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20. देन नेक्स्ट सेकेंड वन इज x इन ब्रैकेट 3x प्लस 2. सो हियर अगेन ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, मल्टीप्लाई x विथ 3x, देन मल्टीप्लाई x विथ नंबर 2. तो यहाँ पे 3x इंटू एक्स, तो 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स, प्लस का साइन 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, बट यहाँ पे है नंबर 2, तो यहाँ पर एरर है. तो यहाँ पे एरर हो जाएगी x इंटू 2 इक्वल्स टू 2x. यहाँ पे x इंटू 2 हो जाएगा 2x, नॉट नंबर 2. तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा x इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ नंबर 2 2x. देन थर्ड वन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy. तो यहाँ पे एरर क्या है, सी x एंड y ये डिफरेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स कि दिस बोथ टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स. अगर आपके वेरिएबल सेम होंगे तो ही वो टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स होगी, और तो ही आप एडिशन कर सकते हो. कोई भी चीज़ का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपकी टर्म्स कैसी होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए. बट यहाँ पे टर्म्स कैसी हैं, अनलाइक टर्म्स, सो दैट मीन्स कि ये दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है. जबकि यहाँ पे ये दोनों का एडिशन कर लिया है, यहाँ पे कैसे किया है, 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 हो करके 5 कर लिया है, एंड x प्लस y, तो यहाँ पे हो गया है x इंटू 5, सो दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पे एरर हो जाएगी, 2x एंड 3y आर अनलाइक टर्म्स, सो दैट सम इज नॉट पॉसिबल. एंड करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स कि एज इट इज ही रहेगा 2x प्लस 3y. देन फोर्थ वन इज x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x. यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, नंबर 1 इज देयर, सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 6x, पर कितना आंसर है 5x. यहाँ पे एरर पता चल गई, तो एरर हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x, नॉट 5x. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x. यहाँ पे आप एरर के केस में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेंटेंस के फॉर्म में भी, कि ऑल टर्म्स आर लाइक टर्म्स, सो बाय एडिंग देयर कोऑफिशिएंट वी गेट नंबर 6. ये सारे क्या है, कोऑफिशिएंट है, एक्स के कोऑफिशिएंट है, और उसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 6. देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे देखो सारे y हैं, दैट मीन्स कि सारी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं. नाउ 5 प्लस 2 6 7, 7 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 1, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1y, जबकि यहाँ पे आंसर क्या है 0. तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, 5y प्लस 2y, सॉरी 5y 2y y एंड माइनस 7y ऑल आर लाइक टर्म्स,
सो सम ऑफ देयर कोऑफिशिएंट इक्वल्स टू, सारे लाइक टर्म्स की कोऑफिशिएंट का सम क्या होगा, 5 + 2 + 1 - 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 8 - 7 नंबर 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 5y + 2y + 7 - 7y = 1, 1 × y, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप एज इट इज वेरिएबल भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो गया y. देन सिक्स वन इज 3x + 2x = 5x², तो यहाँ पे 3 + 2 = 5, दैट इज करेक्ट, बट x + x, x² नहीं होगा यहाँ पे एक्सपोनेंट में चेंज नहीं होगा, एक्सपोनेंट सेम ही रहेगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 5x. यहाँ पे एरर हो जाएगी, when like terms are added or subtracted their exponent do not change, यही चीज मैंने बोली, यहाँ पे एक्सपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा x as it is, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x + 2x = 5x. देन सेवेंथ वन इज 2x² + 4 (2x + 7) = 2x² + 8x + 7, ये हमारा स्टेटमेंट है. अब इसको ओपन करो, सबसे पहले 2x² ये पूरे नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा नंबर 4, x का स्क्वायर x², तो यहाँ पे होना चाहिए 4x², तो यहाँ पर ही एरर है, ये वाली चीज रॉन्ग है. फिर उसके बाद दूसरी एरर है, चेक कर लेते हैं, 8, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे होना चाहिए 8x, तो यस दिस वन इज करेक्ट. एंड लास्ट में नंबर 7 एज इट इज, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा 2x², तो क्या हो जाएगा 2x² तो यहाँ पे हो जाएगा 2x × 2x² है, तो क्या होगा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2x × 2x, तो कितना हो जाएगा 2×2 = 4x × x = 4x². तो ये एरर हो गई, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2x² + 4 (2x + 7) = (in place of 2x² क्या हो जाएगा 4x² + 8x + 7. 8 1 is 2x² + 5x = 4x + 5x = 9x. तो सी हियर, यहाँ पर भी है 2x², यहाँ पर भी था 2x², तो ये 2x² का क्या हुआ था 2x × 2x, तो आंसर क्या मिला 4x². सी यहाँ पे 2x² का क्या हो गया है 4x, यहाँ पे एक्सपोनेंट चेंज है, x^1 है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए x², बिकॉज x × x कितना हो जाएगा x², यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया नंबर 4, सिमिलरली x का स्क्वायर भी हो जाएगा x², दैट मीन्स कि यहाँ पर एरर है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरर 2x² = (similar 2x × 2x = 4x². अब इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट 2x² + 5x = 2x² कितना होगा 4x² + 5x. नाइन्थ वन इज 3x + 2 (square), तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी देखी थी a + b (square), तो इसको अब ओपन करेंगे तो क्या होगा a² + 2a × b + b² इसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x² = 3x², तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया 3x² तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x², तो यहाँ पे एरर पता चल गई हमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरर 3x + 2 (square) = 3x² + 2 (in bracket) यहाँ पे है a × b, तो a की जगह पे क्या है 3x, b की जगह पे है 2 + 2 square, यहाँ पे हो जाएगा 3x² तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12x
प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा नंबर 4। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू माइनस 3 इन a x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू माइनस 3, एक्स की जगह पे हमको वैल्यू लेनी है माइनस 3। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है उसकी जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 4। नाउ माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 3 सा 9 प्लस 5 3 सा 15, यहाँ पे क्या है नंबर 2, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, एरर 5 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 15, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो यहाँ पे हमने दिखा दी 5 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 15 नॉट नंबर 2। तो करेक्ट कैसे करेगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 4। नाउ यहाँ पे माइनस नंबर है बट उसका जो एक्सपोनेंट है पावर है वो कौन सा है इवन नंबर, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 9, तो यहाँ पे हो गया प्लस 9 माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 सा 15 प्लस 4। नाउ 9 प्लस 4 माइनस 15, तो 9 प्लस 4 हो गया 13 माइनस 15, तो 15 में से 13 लेस हो गए तो हो जाएगा नंबर 2 और बड़ा नंबर है माइनस, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे उसका साइन हो जाएगा माइनस। देन सेम क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है उस वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे ए में यहाँ पे साइन था प्लस का, यहाँ पे हो गया है माइनस, तो यहाँ पे गिव्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 माइनस 15 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मिस्टेक है, यहाँ पे 5 3 सा 15 बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट यहाँ पे है माइनस 15, तो ये हो गई आपकी एरर। यहाँ पे एरर लिखेंगे माइनस 5 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 15 नॉट माइनस 15। तो इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 का स्क्वायर नंबर 5 माइनस 5 इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस 15 प्लस 4, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 28। 11 इज y माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पे ये भी एक आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू ज 6 माइनस 6y, मिडल हो जाएगा आपका मिडल टर्म माइनस 6y, जबकि यहाँ पे मिडल टर्म तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये मिस्टेक है, ये एरर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एरर y माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3, यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर एज इट इज नाउ हियर 3 टू जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6y और लास्ट में है नंबर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 9। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। देन
Next one is 13. 2a plus 3b, a minus b equals to 2a square minus 3b square. यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक नंबर को पूरे एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले नंबर को पूरे ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हमें पूरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही हमें एरर पता चल जाएगा. तो यहाँ पे हम एरर करके ही लिखते हैं, एरर 2a प्लस 3b, a माइनस बी इक्वल्स टू 2a को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से a माइनस बी, प्लस 3b को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से a माइनस बी. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a इंटू a, तो यहाँ पे हो गया 2a इंटू a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, प्लस 3b इंटू a, तो क्या हो जाएगा 3ab माइनस, बिकॉज प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 3b इंटू b, तो नंबर 3 एज इट इज b इंटू b स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर. नाउ हियर मिडल टर्म, ये देखो ये दोनों टर्म्स में ab है, तो दैट मींस कि ये लाइक टर्म्स है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से दो सब्ट्रैक हो जाएंगे तो हो जाएगा नंबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1ab माइनस लास्ट में 3b स्क्वायर एज इट इज. तो दैट मीन्स कि इसका आंसर होना चाहिए 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल रहा है ये वाला. तो ये हो गई हमारी एरर. अब इसको करेक्ट करके लिख दें, करेक्ट स्टेटमेंट 2a प्लस 3b एंड ब्रैकेट a माइनस b इक्वल्स टू, करेक्ट हमको क्या मिला 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर. 15 इज a माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 8. तो यहाँ पर भी क्या होगा, a को सबसे पहले पूरे ब्रैकेट से और उसके बाद माइनस 4 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही हमें एरर मिलेगी. तो यहाँ पे एरर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a माइनस 4 इन अनदर ब्रैकेट a माइनस 2 इक्वल्स टू a को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, तो हो जाएगा a इन ब्रैकेट a माइनस 2 माइनस 4 और उसको मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, तो a माइनस 2. नाउ a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू a हो जाएगा 2a, देन प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू a 4a माइनस माइनस प्लस, 4 टू सा 8. तो यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज. नाउ हियर माइनस 2a माइनस 4a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6a प्लस 8. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा a माइनस 4 इन ब्रैकेट a माइनस 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8. 16 इज 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम लाइक टर्म्स हैं, तो क्रॉस हो जाएगा, ये सेम है. जैसे कि सपोज यहाँ पे है 9 अपॉन 9, तो कैसे क्रॉस होगा, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, तो यहाँ पे 1 होगा. सिमिलरली यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1. यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो दैट डिविजन इज 1. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. देन 17 इज 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे है 3x स्क्वायर, दैट मीन्स कि इंडिविजुअली ये नंबर के नीचे भी 3x स्क्वायर है, ये नंबर के नीचे भी 3x स्क्वायर है. तो इंडिविजुअली रख के देख ले तो यहाँ पे हो जाएगा एरर 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर के नीचे भी 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकंड नंबर के नीचे भी 3x स्क्वायर. यहाँ पे कट करो 3x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस, यहाँ पे ये पूरा नंबर एज इट इज हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3x स्क्वायर.
तो इसका आंसर होना चाहिए 1 + 1/3x2। जब भी यहाँ पे आंसर हमें मिला 2, तो ये हो गई हमारी एरर, पता चल गई। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3x² + 1/3x² = 1 + 1/3x². देन नेक्स्ट 18 इज 3x / 3x + 2 = 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर हो जाएगी, हियर सिंप्लीफिकेशन ऑफ LHS इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो ये हो गई हमारी एरर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x / 3x + 2 = 3x / 3x + 2। ये जो सेम नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेम राइट हैंड साइड पे ही रहेगा, बिकॉज ये वाले नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। देन यहाँ पे 21 लास्ट वन इज 7x + 15/5 = 7x। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इन क्वेश्चन नंबर 17 दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों नंबर्स के नीचे एक डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स कि इंडिविजुअली इसका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, इसका भी हो जाएगा 5। तो हम कैसे एरर चेक करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली डिनोमिनेटर लिख के। तो यहाँ पे एरर 7x + 5/5 = 7x के नीचे नंबर 5 + 5 के नीचे भी नंबर 5। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5, क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7x / 5 + 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 7x + 5/5 = 7x / 5 + 1। जबकि यहाँ पे एरर क्या थी, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया था ओनली 7x, वो रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7x + 5 + 1।